साथियों और मेरे धोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी अधिवक्ताओं, आज मैं आपसे एक विषय में चर्चा करना चाहूँगा। एक CA1 पेंडिंग है धोनी कोर्ट नंबर 18 से और इसका नंबर है 24633 24633 डेटेड 6/8/19 6 अगस्त 2019 से पेंडिंग है और आज का दिनांक है 1 सितंबर 2020। इसके अंदर साथियों मैं बताना चाहूँगा कि 33 से 34 से ज़्यादा डेटें लग चुकी हैं। लास्ट डेट लगी थी 16 मार्च को लगी थी 20 मार्च के लिए और 20 मार्च 2020 के लिए, लेकिन 17 मार्च से कोर्ट बंद है। उसके बाद से CA1 अभी तक पेंडिंग है, कोर्ट बंद है आज तक। और इसके अंदर जो कंसर्न कोर्ट का अहमियत है उसने कमेंट भी किया हुआ है, उसमें उसने लिखा हुआ है ये एक्चुअल में मैटर है कि एक रानीबाग थाने के पुलिस वालों के खिलाफ 25/1/18 को कोर्ट नंबर 18 में एक कंप्लेंट केस फाइल किया गया था कि पुलिस ने इलीगल कस्टडी के अंदर और इलीगल झूठे मुकदमे में फंसा के पीड़ित को और उसके साथ टॉर्चर किया, उसके रिकॉर्डिंग था। NHRC की गाइडलाइन को तोड़ा उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी वायलेशन किया और कई तरह के अपराध किए। उसके बारे में ये कंप्लेंट केस था जिसके अंदर ये इसके अंदर उसकी कॉपी मांगी गई थी और स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई थी पुलिस के द्वारा और इसके कोर्ट का ऑर्डर मांगा गया था जो 21/3/18 को डिस्पोज हो गया था मैटर। तब से लेके अब तक कई बार प्रयास किए लेकिन अभी तक इसके डॉक्यूमेंट इस कोर्ट नंबर 18 से नहीं मिल रहे और संबंधित एलमा साहब ने इसके अंदर 4/10/19 को कमेंट लिखा है रोड कोर्ट नंबर 18 के, रिस्पेक्टेड मैडम द मैटर इज नॉट पर्टेन टू माई टेन्योर, काइंडली कंसल्ट प्रीवियस एलमा श्री दीपक सिंह, उनसे भी मोबाइल पर कई बार संपर्क किया गया लेकिन आज तक ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। और साथियों इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस थाना रानीबाग के खिलाफ जो फाइलें थी वो अलग अलग कोर्टों से गायब हैं, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं चाहूँगा कि आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय और आदरणीय उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नॉर्थ वेस्ट रोनी न्यायालय से मेरी ये गुजारिश है और कि वो इसके ऊपर जरूरी निर्देश दें और जितना हमारा टाइम बर्बाद हुआ है इस कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए और इसकी वजह से जो हमारी कानूनी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से, कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे को न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न हो रही है पीड़ित को और जो परेशानियां आ रही हैं और जितने उसने चक्कर कोर्ट में काटे हैं, मैं चाहूँगा कि इस और कोर्ट का भी टाइम काफ़ी कीमती समय बर्बाद हुआ है और पुलिस के अधिकारियों का भी, तो इसके ऊपर एक जाँच बिठाई है और जल्दी इसके अंदर जो जिम्मेवार अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए कि क्यों ये कॉपी गायब है और क्यों दीपक सिंह के ऊपर कई आरोप और भी फाइलें उसके टेन्योर में गायब रही हैं इस कोर्ट से, कई और सारी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है इस कोर्ट के अंदर, बहुत समस्या रही है पिछले दीपक सिंह के टेन्योर में, तो ये इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए और जरूरी निर्देश आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से, आदरणीय उच्च न्यायालय से और आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नॉर्थ वेस्ट रोनी न्यायालय से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो भी कानून के अनुसार दिशा निर्देश को दें और शीघ्र से शीघ्र हमारे को इसकी कॉपी उपलब्ध करवाएं ईमेल के द्वारा, जो पैसे होंगे हम इसको पेटीएम से ऑनलाइन से ड्राफ्ट से जिस तरह से कोर्ट कहेगी हम पे करने को तैयार हैं। और इसी के साथ हमारी आज की ये शब्दावली को मैं विराम देता हूं और कोर्ट से पुनः आग्रह करता हूं और अपने रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी अधिवक्ताओं के साथ भी ये विषय शेयर करना चाहता हूं क्योंकि इस केस से जुड़े हुए जो अधिवक्ता हैं कानूनी अधिवक्ता उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लगभग हर ही कोर्ट के अंदर कि डॉक्यूमेंट्स टाइम पे नहीं मिल पा रहे। इस तरह की समस्या 101 नंबर कोर्ट में भी आ रही है, 113 में भी आ रही है, 107 में भी आ रही है और ये बहुत गंभीर विषय है। इसी के साथ शब्दावली को रखता हूँ, जय हिंद जय भारत।